सुनने वालों, वी हैव टुडे अमित ठाकुर ऑन अवर रूबरू. ही इज एन इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बॉर्न ऑन 17 जुलाई 1971. स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर एज अ स्टूडेंट लीडर इन 1989, ज्वाइनिंग एबीवीपी सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम अहमदाबाद. He was invited by US government as a young leader in 1994. In 1995, he became secretary of BJYM Gujarat. In 1997, he became president of BJYM. In 2003, he was member of youth delegation of China trip with the president, prime minister of India, and he was the national president of BJYM from 2007 to 2016. He is among the few leaders who served as a national president and national general secretary as well. Amit bhai, रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज कुछ आपके बारे में जानने की इच्छा हुई है. नमस्कार सर. हमारे दर्शक के एक लिस्ट हमारा बनता है, इसमें ओपिनियन पोल चलता है कि अब की बार किसको बुलाया जाए, तो काफी लोगों ने आपके लिए वोट किया था. We had a list of people and among them you were the first one to be chosen. बहुत-बहुत धन्यवाद सर. कुछ के बारे में बताएंगे सर कि आपने बीजेपी ही क्यों चुना और कांग्रेस क्यों नहीं चुनी? जब होश संभाला तब हमने ऐसा देश के लिए, बिकॉज हम आरएसएस की परिवार में जन्म होने की वजह से देश के सामने देखने का एक नजरिया वो बचपन में ही बन गया. भारत की जमीन से जुड़ी हुई एक विचारधारा, उस विचारधारा पे काम करना, छोटे लोगों तक इस देश के विकास के जो भी फल है उसको पहुंचाना, ये जीवन का गोल रहा. सरकार बहुत सारे पैसे खर्च करती है पर आखिरी व्यक्ति तक यदि नहीं पहुंचते तब ये आजादी के मायने नहीं रह जाते. तो उस वजह से जब से समझ आई तब एक ही समझ आई है कि ये जो जन्म हुआ है उसको यदि सार्थक करना है तो ये लोकतांत्रिक देश के अंदर कुछ काम करना है तो पॉलिटिकल पार्टी को जरिया बनाकर बड़ा काम किया जा सकता है. और उसी वजह से जब यौवन के दरवाजे पे कदम रख रहा था, बहुत सारे ऑप्शन सभी यूथ की तरह मेरे सामने भी थे पर मेरे मन में जो एक चित्र बना था आगे के जीवन का कि जिसमें इस देश के लिए यदि मुझे कुछ करना है तो लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल जीवन पसंद करना ये एकमात्र रास्ता मेरे सामने दिखता था. और आज मैं खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चलते मुझे वो सारे काम करने के मौके मिले जिस वजह से इस राजनीतिक जीवन को मैंने पसंद किया था. जैसे कि कहा जाता है कि आप वार्ड से वर्ल्ड तक की पूरी टूर और हर एक होदे पे भाजपा के रह चुके हैं. आपने कैरियर शुरू की है एबीवीपी से, तो उसमें कोई ऐसा वाक्य कि जहां पे आपको लगा कि अरे ये तो फंस गया या ये कुछ अचीव कर लिया, ऐसा कोई वाक्य आप बता सकते हैं क्या? मैंने कभी भी कल के बारे में नहीं सोचा. आज मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी पे 100% देना, वही सोच के हर दिन को मैंने जिया है. जो भी सफलता मिली वो मानेंगे कि शायद किस्मत में होगी परंतु मैंने कभी भी डिजाइन करके अपनी लाइफ के सामने देखा नहीं है. एज अ स्टूडेंट लीडर मैंने काम किया तो मेरे सामने बहुत सारे कॉलेजेस थे जहां पे कभी भी सुविधाओं का कोई नाम नहीं था. सभी हॉस्टल्स के अंदर जाके, सभी कॉलेज के अंदर जाके सभी यूथ को जागरूक किया और 11 सितंबर 1993 में हमने 35,000 यूथ को गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने इकट्ठा किया. तब मेरी उम्र 22 साल थी. तो लोगों तक पहुंचना
और उनको सही बात बताना, लोग आपसे जुड़ जाते हैं नेचुरली। मेरे स्टूडेंट लीडर के रूप में काम को देखते हुए सिर्फ 25 साल की उम्र में मुझे गुजरात यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने पूरे गुजरात का कई बार दौरा किया, कई बार, और वहां जो काम किया, जैसे मेरे सामने नर्मदा को लेकर एक उस समय में एक लड़ाई चलती थी, तो वहां पे बहुत नॉन है कि जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई नर्मदा योजना को पूरा करने में अपना जी जान लगा रहे थे, और उस समय में जो लोग इस देश के अंदर कहीं ऑन अ कोज हायर द कोज ऐसा करके जो ये सब रोकना चाहते थे, तो राम जिस प्रकार से रावण का वध करने में लगे हो, जिस प्रकार से भगीरथ गंगा को उतारने में लगे हो, तो वैसे समय में यूथ विंग का काम है हनुमान की तरह वो सारी बाधाएं दूर करना। तो उस में जो एक यूथ विंग का रोल था वो मैंने उस समय में किया। जब देश की बात हुई, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस देश के 450 डिस्ट्रिक्ट के अंदर दौरा करके एक नई जनरेशन को, एक नए यूथ लीडर को, गैलेक्सी ऑफ लीडर को खड़ा करना वो मेरी जिम्मेवारी थी। देश का 700 में से 450 डिस्ट्रिक्ट तक जाके ये काम हमने पूरा किया। बाद में मुझे पूछा गया कि और क्या आगे काम करना चाहते हो, तो मुझे लगा कि वर्ल्ड के अंदर हमारी जो विचारधारा है, आखिरी व्यक्ति का उत्थान करने की विचारधारा, उस विचारधारा को कई कहते हैं कि बहुत ही ग्रास रूट से बदनाम करने का जो विश्व के अंदर एक माहौल बना हुआ था, उस मिथ को इंटरनेट के जमाने में तोड़ना ये लक्ष्य बनाकर दो देश में ओवरसीज बीजेपी का काम था, उसको हमने 37 देश तक पहुंचाया। हमने जिम्मेवारी के एक साल में 37 देश में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की स्थापना की। तो जब जब मुझे जो जिम्मेवारी दी, मैंने उसी जिम्मेवारी को उसी दिन सोच के, बाद में मुझे बताया गया कि आपको गुजरात के ट्राइबल एरिया में काम करना है। हमने अब नेट पे डाल के देखेंगे द बिगेस्ट ह्यूमन लोटस, तो आज लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में 35,000 लोगों को एक ही जगह पे खड़ा करके हमने वहां पे कमल का जो फ्लैग होता है, बीजेपी का फ्लैग है, उसमें 33% ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर के अंदर सभी महिलाओं को ग्रीन साड़ी पहनकर और बाकी जगह व्हाइट टोपी व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टोपी ब्लैक टी शर्ट, भगवा टोपी भगवा टी शर्ट, वैसे करके 35,000 लोगों को एक जगह पे खड़ा करके हमने 1,00,000 स्क्वायर फीट का ह्यूमन फ्लैग बना दिया। तो जहां जहां जो जो जिम्मेवारी मिली, उस जिम्मेवारी को ही टारगेट बनाकर समाज के आखिरी व्यक्ति में विश्वास जगाना कि हाँ ये भारत मेरा है और हम साथ रहेंगे तो ये भारत महान बनेगा और उसके फल मेरे घर तक पहुंचेंगे, ये ध्येय बनाकर मैंने जीवन में काम किया है। मैंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। वही से हम शुरू करते हैं कि जब आप गुजरात में एबीवीपी के प्रेसिडेंट थे, तब भाजपा की क्या स्थिति थी और आपने वहां से कहां तक लेके आए? मेरी स्थिति या संगठन भाजपा की? भाजपा भारतीय जनता पक्ष थी? जब आप एबीवीपी, तो नॉन है उसमें मेरा ऐसा है, विचारधारा अपने शुरुआती दौर में थी, किसी एक व्यक्ति का न मेरा न किसी उस प्रकार से चर्चा करेंगे तो हम कभी अपने आपके साथ भी अन्याय कर देंगे। हम तो पूरे समंदर में एक बूंद समान है। जो लीडर है, जैसे 84 से नरेंद्र भाई का इधर भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ, उन्होंने एक नया रूप देना शुरू किया, मेरे जैसे कई कार्यकर्ता उसमें जुड़ गए, तो उस जुड़ाव के बाद
हाँ मेरा एज एक यूथ लीडर का था, तो मैंने वहां पे अपना समय का योगदान दिया। पर जो बड़े लीडर की जो डिजाइन होती है, उनका अनुभव होता है, उनकी जो सोच होती है, यदि उसके अंदर हर व्यक्ति, जिसके पास महिलाओं का काम है उसने महिलाओं के लिए काम किया, जिसके पास ट्राइबल का, ओबीसी का जो भी काम है, सबने अपना अपना रोल निभाया। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि जो 91 से लेके 2010 तक इस विचारधारा को शेप मिला, और उस शेप बनाने के अंदर मैं हमेशा से 91 से 2010 यानी 20 साल तक इस विचारधारा में यूथ में जोड़ने वाला, उस पद पे जो नंबर वन पद पे बैठ के जिम्मेवारी निभाना, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का काम रहा। और कई लीडर को, कई यूथ लीडर को, कई समाज को, जहां जहां हम गाना गाते थे कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की आजादी के फल आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना, तो वो तभी पहुंचेगा कि उस समुदाय से, उस समाज से कोई, यदि आपका कोई नेता खड़ा होता है उस समुदाय को, समाज को लगता है कि हाँ इस विचारधारा में मेरा भी एक नेता है, तो संगठनकर्ता के नाते हमारी जिम्मेवारी होती है कि हर पंक्ति से एक नेता को खड़ा करे। तो मुझे 20 साल तक इस जिम्मेवारी को निभाने का पार्टी ने, विचारधारा ने मौका दिया, तो मेरे से बड़ा कोई नसीब वाला आदमी नहीं हो सकता। आपने जैसे बताया कि ट्राइबल एरियाओं में आपने काम किया है ज्यादातर, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने बनासकांठा या साबरकांठा से शुरुआत की थी, राइट? जी, और 2007 में एक चुनाव के प्रभारी के नाते मुझे माननीय नरेंद्र भाई ने जिम्मेवारी दी, फिर बाद में उन्होंने और 5 इलेक्शन की जिम्मेवारी दी, फिर बाद में जब पार्टी का स्प्लिट हुआ तब सौराष्ट्र के अंदर वैसा लगा कि यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा जहाँ डैमेज होने की संभावना थी वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट था, वहां की मुझे जिम्मेवारी दी। फिर उसके बाद जैसे ट्राइबल क्षेत्र, जहां से 2012 के बाद जिम्मेवारी की मुझे जो जरूरत लगी यानी पार्टी को, वो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई, तो 2010 में भी मुझे सौंपा था, 2021 में भी, यानी 11 साल से ये ट्राइबल क्षेत्र में काम करने का जो अवसर मिला है। आज अभी जो परसों चुनाव गया है, वहां हमने 100% सीट जीत कर, जो 70 साल में भी नहीं जीते थे वैसे तालुका यानी तहसील, वो हमने वहां पे जीते हैं। तो कुल मिला के जो देश में, राज्य में एक विकास का माहौल है, तो उस विकास के माहौल में जो योगदान नीचे सभी को जोड़ के, सभी को कलेक्टिव लीडरशिप में लाके, सभी को, नरेंद्र भाई कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो जो इंक्लूसिवनेस है उसके अंदर सभी व्यक्ति को समाहित करना, वो हमारी जिम्मेवारी होती है, और वो करके आज रिजल्ट मिला है तो हमें आनंद है। ट्राइबल में ऐसी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती है जो आपको फेस करनी पड़ी और अल्टीमेटली यू अचीव्ड योर गोल्स? ट्राइबल तो पहले से ही कहा जाता है कि कांग्रेस ट्राइबल एरियाज में, ऐसी क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको? वैसे तो ट्राइबल पूरा कांग्रेस के समर्थक ही रहे हैं, राइट? अभी इतनी सारी कठिनाइयों के साथ क्या क्या ऐसी कठिनाइयां हुई आपको? नहीं, ऐसा है कि परंपरागत वोट है, कांग्रेस भी मानती है, और कई इलाके में ऐसा कहा जाता था कि वोटर भी मानते हैं कि हमारी नेचुरल पार्टी कांग्रेस है, पर 2014 के बाद जिस प्रकार से मैंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो भारत के अंदर जो अभी चुनावी सफलता है उसका जो बेस है, वो इस देश के अंदर रुपया नीचे नहीं पहुंचता था। नरेंद्र भाई के आने के बाद वो पैसा
जो कहा जाता था 1 रुपया में से 80 पैसा नीचे तक नहीं पहुंचता है। इतनी सीढ़ियां थी कि ऊपर से यदि रुपये को भेजा जाता था तो उस सीढ़ियों पे घिसते घिसते बड़ा मोटा सा 1 रुपया आप समझो कि एक पतले से और टीन के सीट की जितना पतला हो जाता था। तो जो बैंक के खाते खोले गए जनधन अकाउंट 30 करोड़ से ज्यादा, तो उस वजह से आज गांव के अंदर आप जाते हो तो आपको एक युवा दिखेगा जो हाथ में क्रेडिट कार्ड का जो मशीन होता है वैसा एक मशीन लेकर चलता है और हर घर पे जाके फिंगरप्रिंट लगाता है। लोग उसको कहते हैं कि मोदी का मशीन आ गया, मोदी का रुपया आ गया। यानी साल में 3 बार 2000 रुपया हर किसान के घर के अंदर पहुंच जाए। यदि टॉयलेट सब जगह मान लो बनते हैं, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने, हर व्यक्ति को 12000 रुपया मिला, तो हर व्यक्ति के हाथ में 11999 नहीं पूरे 12000 मिलते हैं। यदि उसको गैस का सब्सिडी का जो पैसा है डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाना है, उसको यूरिया का सब्सिडी डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाना है, तो ये जो पैसा हर व्यक्ति को डायरेक्ट मिलने लगा, बीच में ना कोई अधिकारी खा सकता है, बीच में ना कोई दलाल खा सकता है, तो उससे एक विश्वास का माहौल बना है। यदि आप तो ट्राइबल की बात करते हो, मुस्लिम समाज परंपरागत कांग्रेस का समाज है। आज हम मुस्लिम के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं तो मुस्लिम भी कहते हैं कि आज तक हमको कांग्रेस ने दिया क्या, ये मोदी है जो हमको डायरेक्ट पैसा भेजता है, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट भेजता है। तो इससे बड़ी सहूलियत हो जाती है कि आप लोगों के पास सीना तान के खड़े हो सकते हो कि भाई हम हमारे हाथ जो है वो पूरे क्लीन हैंड के साथ हम आपके सामने है और हम पूरे चौड़े हाथ के साथ हम आपको अपने गले लगाने आए हैं। बाकी ये सब पुरानी बातें छोड़िए, पुरानी मानसिकता छोड़िए, पुराने ख्याल छोड़िए, आप आइए हम सब मिलकर इस देश का निर्माण करेंगे। तो हर समाज में हर व्यक्ति में जो प्योरिटी ऑफ गवर्नेंस है, जो देश में वर्ल्ड में गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, तो गुड गवर्नेंस को यदि विश्व में किसी ने सीखने आना है तो दिस इज द राइट टाइम। आप यहां भारत में आके छोटे से छोटे जो पैसा है उसका भी कैसे लोगों तक पहुंचने का जो यज्ञ चल रहा है, जो प्रयास चल रहा है, उसको अभी आके देखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है एक संगठन का स्ट्रेंथ, एक लीडरशिप का विश्वसनीयता और गवर्नमेंट में बैठे अधिकारी, उसको भी लगता है कि यह समय है कि मैं अपने आप को इस देश के विकास के यज्ञ में झोंक दूं। तो मुझे लगता है कि जो डिसिप्लिन गवर्नमेंट के अंदर भी आई है, जो कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति संगठन में भी आई है, नए यूथ, पहले मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो बहुत सारे यूथ, हाँ ये राजनीति हमारा काम नहीं है, हमको बोलते तू जा हम होंगे तो तुझे सब, उस प्रकार से अभी नए यूथ को भी आज के जमाने में जुड़ना है, महिलाओं को भी आज के जमाने में जुड़ना है। तो कुल मिला के माहौल भारत के अंदर जो गुड गवर्नेंस का बना है, उस वजह से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा माहौल है और उसमें हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी कम मेहनत में हमें ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारी उपलब्धियां आपने बता दी। अभी आपने बताया है कि, और आपकी प्रोफाइल में भी है कि आपने ओवरसीज का काम किया, तो ओवरसीज में क्या क्या काम हुआ और कैसे आपने शुरू किया उसको? जैसे भी हम कहेंगे कि अमेरिका के अंदर भी हमारा टारगेट था कि 11 स्टेट के अंदर एक्टिव ओवरसीज बीजेपी की स्थापना हो और ब्रांच जो बने वो चले। वहां पे हमने सारे जितने भी लीडर है सबको, भारत के प्रति कुछ दृष्टिकोण था, हमने सबको एक मंच पर लाया। हमने जैसे लंदन के अंदर, सिर्फ लंदन में एक थोड़ा सा छोटा समूह करके काम होता था,
हमने वहां जाके मैंने 11 दिन लगाए, मैं सारे समाज को मिला, सभी गुजरात हो या बाकी सभी राज्यों के लोग हो, सबको जाजा कर 11 दिन लगाने के बाद हमने लंदन के अंदर आप समझिए 2700 लोगों का बड़ा सम्मेलन किया। कनाडा हो, अफ्रीका हो, चाइना, जापान हो, पूरे विश्व के अंदर हमने जहां जहां जो कार्यकर्ता उपलब्ध हुए, रेफरेंस मिले, उनका रेफरेंस की क्वालिटी की, भारत के सामने उनकी देखने के नजरिया की, वहां पे उनका जो अन्य वहां के जो देशवासी है उसमें उनका रिस्पेक्ट, उनका पेनिट्रेशन, ये सारे देख के हमने सभी जगह पे एक मिशन मोड पे ब्रांचेस खोलो, काम शुरू करो, आगे जाके वो काम आएगा। और बाद में 2014 में नरेंद्र भाई के आने के बाद विश्व में भारत के सामने देखने का एक नजरिया बदल गया। तो जो हमने 2010 में ये ओवरसीज बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये काम जो शुरू किया था, तो उस वजह से आज बिकॉज ऑफ इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये काम अभी पूरी ताकत से हमें एक स्ट्रेंथ दे रहा है। हमारे पास जब मेरे पास काम आया तब चैलेंज ये थी कि अमेरिका और लंदन के अलावा का ओवरसीज बीजेपी संगठन नहीं है, उसको विश्व में पहुंचाना है। तो ये काम करने में हमें सफलता मिली, उसका मुझे आनंद है। ओवरसीज बीजेपी का बेसिकली क्या उसका मतलब, सिर्फ संगठन का ही काम होता है या और भी कुछ वो करते हैं? जैसे हमारे यूएसए में भी अगर हम जाने जाए तो यहाँ भी है, पर उनका कार्यशक्ति क्या होती है और कार्यशैली क्या है उनकी? और मेरी अभी उसमें जिम्मेवारी नहीं है तो उस पर ज्यादा कमेंट करना ये उचित नहीं होगा, पर जहां तक मेरी समझ जो है उसके मुताबिक मेरा इतना ही कहना होगा कि वहां की संस्कृति में, वहां के लोगों के बीच में, वहां जो भूमि है उससे भी लॉयल्टी रखते हुए भारत के प्रति जो प्यार है आपके दिल में, और भारत का विकास हो, वैसे वहां के विचार, वहां की टेक्नोलॉजी, और वहां भारत के जहां हित हो को नुकसान होता हो, वहां पे एक संवाद खड़ा करके जो माहौल बनाकर भारत को उपयोगी होना, ये इस संगठन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। आप अपने देश में जहां पे रहते हैं, जहां से आपका योगक्षेम चलता है, वहां अवश्य लॉयल रहिए, पर भारत आपके दिल में हमेशा जो जिंदा है, आपकी आने वाली पीढ़ी भारत से कट न जाए, उसका ध्यान रखते हुए हमारी संस्कृति आपके घरों में, आपके दिलों में जिंदा रहे। और भारत यदि सफल है तो सबकी कीमत विश्व में होगी। तो भारत कैसे करके सफल रहे उसका ध्यान रखते हुए जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, सबने एक मंच पे आना चाहिए, और वो मंच है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। शिफ्टिंग टू गियर टू सम अदर एस्पेक्ट, जब ये आपका जो जिला पंचायत और ये सब तालुका पंचायत के चुनाव हुए, उसमें काफी लोगों का टिकट कट गया था, वो कैसे कार्यगत रहा, और जिनका टिकट कट गया था उन लोगों का रवैया कैसे रहा आपके साथ? नहीं, ऐसा है कि ये प्रोसेस का पार्ट है। पहले 85 में टिकट देने लोगों को जाना पड़ता, 90 तक लोगों को देने जाना पड़ता था, लोग कहते थे हमें माफ करो और चाय पियो और निकलो, लोगों को बीजेपी का टिकट नहीं चाहिए था। पर आज ये हाल है कि कोई भी छोटा गांव का सरपंच भी बनना हो या शहरों में काउंसिलर बनना हो तो एक टिकट के सामने 50-60 लोग टिकट मांगने वाले होते हैं। एक ही व्यक्ति को, एक ही कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता है, और उसमें भी जीतने का नजरिया प्राथमिक रूप से रहता है। तो जहां जीत का समीकरण बनता है वही का जगह पे अच्छे कार्यकर्ता को टिकट मिले
उसका पार्टी हमेशा से बहुत साइंटिफिक रिसर्च करके उस पर काम करती है। जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है हम पहले से उनसे संवाद कर लेते हैं और एक माहौल बनाने का प्रयत्न करता है। उसके बाद भी कभी कभी कार्यकर्ता जिंदगी भर काम करता है, मौका मिला नहीं भी उनको न्याय मिल पाया, वो नाराज होता है। पर यदि आप उसके घर जाके उसके परिवार पे समय पे योग्य समय पे तुरंत पहुंच जाइए, आप उसका पहले से प्लान बनाकर रखिए, तो बड़ी समस्या नहीं होती है। और फिर भी कुछ लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं तो वो कन्वेयर बेल्ट है पार्टी, तो वो कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है, जो बैग ऊपर से उतर जाती है वो उतर जाती है, बाकी कन्वेयर बेल्ट है वो तो चलता रहेगा। तो आपका मानना है कि ये जो अभी छोटे स्तर पे जो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, रादर आप लोगों ने, कि वंशवाद वाले को टिकट नहीं देना है, इनको टिकट नहीं देना है, जो इतने साल से नेता में है उनको भी टिकट नहीं देना है, तो आप जानते हैं कि समझते हैं कि आगे जाके भी ये एमएलए और विधानसभा के इलेक्शन में ये होगा? ऐसा है कि ये ग्रास रूट का इलेक्शन था जी। सी आर पाटिल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद तीन विषय को रखा कि भई ये छोटे इलेक्शन के अंदर नए लोगों को आना चाहिए, तो नए लोगों को आने के लिए आप किसी की एक ही टिकट काटते हैं तो मैसेज जाता है कि मेरे साथ ही अन्याय हुआ। पर आप जब ये नियम बना देते हैं तो फिर उस कार्यकर्ता को फरियाद नहीं रहती। जब नियम बन जाता है 60 के ऊपर किसी को नहीं देंगे तभी नए यूथ को मिलेगा, कहीं कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा, वो हेल्दी होंगे, फिट होंगे और 10 साल काम कर सकते हैं, ऐसे होंगे। पर कोई एक तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा नए लोगों को लाने के लिए। तीन टर्म जिसकी हो चुकी है तो 15 साल लोकल बॉडी में काम करना, वो कभी कभी उसमें हाँ कई लोग होंगे जिसकी सिटी को भी जरूरत होगी, वो प्रमाणिक रूप से उसने काम की किया होगा, पर ज्यादा करके उस प्रकार से के नियम से पार्टी को और समाज को देश को फायदा होता है। एक जब आप पार्टी के रूप में लेके चलते हैं कि भाई हम वंशवाद के खिलाफ है, वंशवाद नहीं होना चाहिए, पर जब किसी के बेटे, किसी की बीवी, किसी की बहन, जो टिकट बांटने वाले हैं उसी के लोगों को ही टिकट मिलेगा, छोटा कार्यकर्ता का ताकत बहुत कम होता है, वो इंडिविजुअल होता है, जब मिलाकर देश के लिए जब एक समूह बनता है बड़ी ताकत बन जाती है, पर अपने व्यक्तिगत विषय को रखने के लिए उसकी ताकत कम होती है। तब जाके यदि आप वंशवाद को पार्टी के रूप में नहीं रोकते हैं तो उस वंशवाद को रोकने वाला और कोई नहीं होता। तो ये जो तीन नियम यहाँ पे बनाए गए उसके चमत्कारिक परिणाम मिले और जो विजय हुआ है 31 में से 31 और सारे महानगर पालिका, तो ये रिजल्ट आपके सामने है कि इस प्रकार का निर्णय जो लिया गया उस निर्णय का फायदा हुआ है। आगे जाके भी आप मानते हैं कि विधानसभा में भी ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगी? वक्त वक्त पे एक उपयोगिता के आधार पे, उस समय के अवलोकन के आधार पे निर्णय होते हैं, तो आगे क्या होगा उसके लिए कुछ चीजें वक्त पे छोड़नी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हाँ यदि उसका उस समय की एनालिसिस के ऊपर फायदा होगा तो अवश्य होगा, करना भी चाहिए, पर क्या परिस्थितियां बनेगी उसके आधार पर निर्णय होगा। कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस, जब आपने सिर्फ संगठन में काम किया है, आगे अभी आपका प्लानिंग क्या है और आप कैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं? मैंने पहले भी किया कहा कि मैं कल के बारे में कभी सोचता नहीं, मैं आया था और मेरा बहुत कन्विक्शन है कि इस पृथ्वी पे यदि हमारा जन्म हुआ है तो उस जन्म को हमको सार्थक करना है। सार्थक बनाने के लिए सभी ने एक जरिया पसंद करना चाहिए, एक लाइन पसंद करनी चाहिए, तो मैंने पॉलिटिकल लाइन पसंद कर ली है और उसमें अभी तक संगठन की जिम्मेवारी दायित्व को लेकर मैंने अभी तक जो काम किया मैं संतुष्ट हूं। आगे
मैं खुद मेरे बारे में सोचूंगा तो फिर मैं खुद बड़ा डिजास्टर मेरे बारे में कर दूंगा। पार्टी जिसने मुझे काम दिया है, नेतृत्व जिसने मेरे काम को इवेल्युएट किया है, सारा संगठन जिसने मुझे कभी एक दिन के लिए भी फ्री नहीं रखा है, तो आगे वही लोग मेरे बारे में सोचेंगे। तो मुझे मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता ने खुद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत अपना कीमती समय में दिया। नमस्कार, और आपने आपके माध्यम से आपके इस प्रसिद्ध भारत FM जो आपका अमेरिका से आपने यहाँ से जाके एक बड़ा एक बेस बनाया है, मैं आपकी इस सफलता के लिए मैं आपको भी अभिनंदन करता हूँ, और एक वैश्विक श्रोता समुदाय को रूबरू होने का आपको आपने मुझे मौका दिया, तो और मैं मेरी पार्टी मेरे विचारधारा की बात कर पाया, तो इस मौका ये मौके को प्रदान करने के लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। दिस इज भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।